सो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है डीजे वालों के लिए, आज की वीडियो होने वाली है लाइव वालों के लिए, क्योंकि मैं आज एक टॉप लेकर आया हूँ जो कि एस्टेक्स मॉडल की आती है, जो जेबीएल आपने सुना होगा एस्टेक्स का 825 825 मॉडल का टॉप लेकर आया हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे रखा, तो आज हम इसी टॉप के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे, क्वालिटी देखेंगे इसकी, थोड़ी फिर प्राइस की बात कर लेंगे। दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। चैनल पर अगर आप पहली बार तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने टॉप यहाँ रखी हुई, एक पे ग्रिल मतलब जाली लगी हुई है, दूसरी पे जाली नहीं लगी हुई, ताकि आप अंदर का भी देख पाए। तो मैं आपको सबसे पहले क्लोज लुक बताता हूँ। दोस्तों ये कैबिन आप जैसे कि कुछ देख सकते हैं ऐसा है, इसमें जो डिज़ाइन है दोस्तों एकदम ओरिजिनल डाली गई, जैसे ओरिजिनल में आते हैं, जैसे देख सकते हैं ऐसे एक्स्ट्रा सेक्शन बने हुए आते हैं। तो फ्रंट का कुछ दोस्तों लुक इसका ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ग्रिल की बात करो दोस्तों, ग्रिल काफ़ी हैवी क्वालिटी की, जैसे देख सकते हैं बज नहीं रही, एकदम नॉर्मल जैसे बज जाती है, काफ़ी हैवी क्वालिटी की ग्रिल इसमें यूज़ करी गई है। साइड में बात करो दोस्तों, साइड के हैंडल भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जो हैंडल है जिसे ओरिजिनल में आते सेम वैसे ही है थोड़े। इसमें जैसे कि बजते आपने देखा होगा, कोई कोई सी लोकल की जो टॉप्स होती है उसमें हैंडल जो रहते हैं दोस्तों, वो जब साउंड बजता है तो भर ये बजते हैं दोस्तों हैंडल, तो उसमें उसका बजना काम नहीं है, क्योंकि हैंडल भी अलग स्क्रू से उसमें कसा हुआ है, जो मेन हैंडल है वो तो कसा हुआ, साथ ही साथ जो उसका ये ग्रिल है पकड़ने की ग्रिप है ये भी दोस्तों यहाँ पे स्क्रू से लगी हुई है। अब मैं दोस्तों अगर बैक पैनल की बात करूँ, तो बैक में हमको जैसे कि आप देख सकते हैं हमको बैक में लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बैक पैनल में हमको यहाँ पे स्पेस तो ये यहाँ पे दो हमारे स्पीकर्स वगैरह लग जाएगी, और ये हमारा पुश बटन दे रखा है, हम चाहे तो HF कट वगैरह के लिए बाय एम करने के लिए ये स्विच दे रखा है यहाँ पे, हम चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ओवरऑल लुक कुछ हमारी टॉप का ऐसा है। अब अगर मैं थोड़ी अंदर की बात करूँ कि इसमें अंदर कैसा का दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले तो दोस्तों 15 इंच के दो हमको स्पीकर लगाने के लिए दो स्पेस देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमको एक 8-12 का फ्लेयर लगाने के लिए यहाँ पे हमको एक और स्पेस देखने को मिल जाती है, जिसमें हम हमारी HF लगा सकते हैं। अब मैं दोस्तों थोड़े अंदर की बात करूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्लास वूल का यूज़ करा है। एक्चुअली ये काली इसलिए हो गई है क्योंकि इस पर जो स्प्रे होता है उसके कारण ये अंदर की भी जो ग्लास वूल थी वो काली हो गई, वरना ये भी वाइट थी। अब मैं दोस्तों जिस स्पीकर के अगर अंदर कैबिनेट की बात करूँ, तो आप जैसे देख सकते हैं इसके जो जॉइंट वगैरह आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करा गया है काम, ये नट बोल्ट लगे हुए हैं अंदर, जो उसके नीचे गुटके जो आते हैं रबड़ के जिसपे टिकता है कैबिनेट, वो एकदम स्क्रू से कसे व्यवस्थित, ताकि क्या एक्चुअली में दोस्तों ये निकल जाते हैं जब हम इसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। जो खैर इनके तो फ्लैट केस रहते हैं, लेकिन जिनके पास फ्लैट केस नहीं रहते तो दोस्तों उनके जो नीचे के आते हैं रबड़ के गुटके वो निकल जाते हैं। अब मैं आप कैबिनेट की दोस्तों थोड़ी क्वालिटी की बात करूँ, तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें कलर काफ़ी अच्छा यूज़ करा गया, एकदम ओरिजिनल नेक्स्ट टू द ओरिजिनल की दोस्तों कलर से भी देख सकते हैं एकदम से, हम रगड़े वगैरह भी दोस्तों तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं फिनिशिंग काफ़ी अच्छी करी गई है अभी इस पर, अभी ये थोड़ा इसमें रखने वखने में से ख़राब हो गया, बाकी तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। कलर देखिए काफ़ी एकदम फिनिशिंग एकदम प्रॉपर है पूरे कैबिनेट की, जैसे देख सकते हैं एकदम लाइन टू लाइन एकदम है पूरी दोस्तों। ये जैसे ग्रिल में भी देखिए, ग्रिल से आप इसको पहचान नहीं सकते कि कैबिनेट ओरिजिनल है या कॉपी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कैबिनेट की क्वालिटी कितनी अच्छी दी गई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जैसे कि देखिए अंदर एकदम ग्लास वूल वगैरह व्यवस्थित लगी है, ग्लास वूल इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हमारा जो स्पीकर जब चलता है तो उसका थोड़ा जो उसका टोन है उसका थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए दोस्तों ग्लास वूल अंदर के साथ यूज़ करा जाता है। जो एयर पासिंग के लिए हमको देख रही है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं अधिकतर क्या होता है लोग हमको सिर्फ यहाँ पे होल्ड करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर पाइप यूज़ करा गया, जिसके आप देख सकते हैं अंदर तक गया हुआ, ये हमको पूरा एक सेक्शन अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारे यहाँ थोड़ी कैबिनेट की मैंने आपको डिज़ाइन बता दी, इसकी ग्रिल बता दी कितनी हैवी है, थोड़ा अंदर का भी मैंने बता दिया दोस्तों। कैबिनेट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब मैं थोड़ी अगर इसकी प्राइस की बात कर लूँ, तो दोस्तों आपको प्राइस का समथिंग पड़ जाएगा 15,000 के आसपास पड़ जाएगा, अभी मैं करंट प्राइस आपको बता रहा हूँ, मार्केट कंडीशन के हिसाब से दोस्तों प्राइस कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेगा जहाँ पे आपको कैबिनेट अगर खरीदना, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट दे दिया, ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगा दोस्तों। JP भैया है उनके कैबिनेट फैक्ट्री, वहाँ पर हम आए हैं और ये कैबिनेट उन्हीं का बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर भी अगर चाहे तो दोस्तों स्क्रीन पर भी देखो नंबर आपको दिख रहे होंगे कि आपको अगर कांटेक्ट करना दोस्तों, स्क्रीन पर इनका पूरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। मैंने कैबिनेट का एक एवरेज प्राइस बता दिया दोस्तों, तो प्राइस तो वेरी कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए बिना मत जाइएगा। चैनल पर अगर पहले बना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दिस इज मी विशाल साइनिंग ऑफ।